डिसमेंटल एंड क्लीव। सुकुना की एक्चुअली नेट टेक्निक नहीं है, उसकी एक्चुअली नेट टेक्निक इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। और इसको प्रूव करते हुए बहुत सारी थियरीज इंटरनेट में अवेलेबल है, जिसमें से पॉपुलर वंस को आज हम चेक करने वाले हैं, और उनमें भी लास्ट वाली थियरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। पहली थियरी, सुकुनास डोमेन डजंट रिजेंबल हिज कर्स टेक्निक। देखो, हमने जितने भी कर्स टेक्निक यूजर्स को डोमेन इस्तेमाल करते देखा है, उन सभी के डोमेन उनके इनेट टेक्निक को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर हम यूता का ही एग्जांपल ले तो उसकी कर्स टेक्निक है कॉपी, और जब वो अपना डोमेन एक्सपांड करता है तो चारों तरफ कटाना ही कटाना मौजूद होते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कर्स टेक्निक एम्ब्यूडेड होते हैं जिसको उसने कभी कॉपी किया था। और ये सभी कर्स टेक्निक यूजर्स के साथ सेम है अगर आप नोटिस करो तो। लेकिन सुकुना के साथ ऐसा नहीं है, उसके डोमेन मेलोवलेंट श्राइन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पर्टिकुलरली कटिंग एंड स्लाइसिंग को रिप्रेजेंट करता हो। दूसरी थियरी, गॉड ऑफ डेथ या गॉड ऑफ वॉर। अब इस थियरी के अकॉर्डिंग सुकुना गॉड ऑफ डेथ या फिर गॉड ऑफ वॉर है। कैसे? तो देखो, उसका डोमेन एक्सपेंशन क्या है, मेलोवलेंट श्राइन। श्राइन जापानीज कल्चर में पूजा स्थल को कहा जाता है, जो कि गॉड का रिप्रेजेंटेशन है। और मेलोवलेंट श्राइन में ढेर सारे स्कल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डेथ या फिर वॉर को सिग्निफाई करता है। दैट्स वाई सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन उसे गॉड ऑफ डेथ या फिर गॉड ऑफ वॉर की तरह ज्यादा शो करता है। और उसकी कर्स टेक्निक लाइक डिसमेंटल एंड क्लीव या फिर वो फायर वाला टेक्निक डेवलप ही हुए हैं सामने वाले को मारने के लिए। अगेन, ये सारी टेक्निक्स उसको गॉड ऑफ डेथ की तरह रिप्रेजेंट करती हैं। तीसरी थियरी, ही इज ए नेचुरल कलामिटी। अब इस थियरी के सच होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब फैंस ने जेजेके के राइटर से ये क्वेश्चन पूछा था कि जब सुकुना जिंदा था तब क्या वो एक कर्स यूजर था, तब उन्होंने कहा था कि हाँ, तुम उसको कर्स यूजर की तरह मान तो सकते हो, पर मेरे हिसाब से वो ज्यादा एक नेचुरल कलामिटी की तरह था। नेचुरल कलामिटी का मतलब प्राकृतिक आपदा, लाइक फायर, सुनामी एंड ऑल। सो अब ध्यान से देखो, उसका डोमेन एक्सपेंशन है मेलोवलेंट श्राइन। जापानीज कल्चर में पूजा के स्थल को श्राइन कहा जाता है, और जापानीज लोग पूजा किसकी करते हैं, कामी की। कामी उनके कल्चर में भगवान की तरह है, और ऐसे बहुत सारी नेचुरल कामी भी हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। ये दर्शाता है कि अगर सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन श्राइन है तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास नेचुरल एबिलिटीज भी हों, लाइक वाटर, फायर, लाइटनिंग, एयर एंड ग्राउंड। और मैं इन्हीं सब नेचुरल एबिलिटीज को इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे एनिमे में कॉमन है। अब इन्हीं 5 पावर्स को नारुतो में भी देख सकते हो चक्र नेचर की तरह, या फिर डीमन स्लेयर में 5 ब्रीदिंग स्टाइल की तरह। और जेजेके भी कुछ लेवल पे नारुतो से इंस्पायर्ड है। और जो 5 नेचुरल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, उनमें से 2 तो सुकुना साफ साफ यूज करते हुए दिखाया, एक फायर जोगो के अगेंस्ट फाइट में, और लाइटनिंग उसके फाइनल फॉर्म में कासिमे के अगेंस्ट फाइट में। एक और डिटेल है जिसको हम भूल नहीं सकते जब हम नेचुरल एबिलिटीज की बात कर रहे हो, और वो है उसकी फिंगर्स, क्योंकि उसकी फिंगर्स भी 5 डिफरेंट टाइप्स की है। जब गोजो यूजी को सुकुना का फिंगर्स खिला रहा था, तब वो करीब 10 फिंगर्स को दिखाता है, जिनमें से आप साफ साफ 5 डिफरेंट टाइप्स को नोटिस कर सकते हो। 5 इसीलिए क्योंकि ये जोड़ियों में है, और ये 5 डिफरेंट टाइप्स में 2 को तो साफ साफ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पहला वाला पेड़ है जो कि ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आप ये टेंटिकल्स वाला नोटिस करो तो ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और शायद डिसमेंटल एंड क्लिप भी एयर वाले नेचुरल फोर्स का ही एक्सपेंडेड रूप हो। अब ये कितने हद तक सच होगा वो तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और इन थियरीज के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद।